बांदा खेलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से निकाली गई खिलाड़ी बच्चों की रैली। कमिश्नर चित्रकूट धाम मंडल आरपी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। 25 मई से 3 जून तक हो रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और 25 मई से 3 जून तक होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की सफल आयोजन के उद्देश्य से निकाली जा रही रैली। कार्यक्रम में कमिश्नर आरपी सिंह, चित्रकूट धाम मंडल और जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल सहित जिले के तमाम आला अधिकारी रहे मौजूद। और आज की जान 25 मई से 5 जून तक दो चार शहरी आयोजन इसी क्रम में हमारे प्यारे बच्चे आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज की इस रैली से पूरे जनपद में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। किसी भी इंडिविजुअल, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, युवक हो, मिडिल एज में हो या बुजुर्ग हो, सबके लिए फिजिकल फिटनेस और एक्टिविटी करना कितना जरूरी है। हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा तो हमारा दिमाग का और शरीर का संतुलन अच्छा रहेगा, हमें बीमारियां कम होंगी, हमें दवा दारू पे खर्चा कम करना पड़ेगा, हमारे परिवार वालों को, हमारे माता पिता को हमारा इलाज करने में भी दिक्कत नहीं होगी। फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। इसी संदेश को लेकर के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी आज बांदा में आई है और आप सब विद्यार्थियों के माध्यम से पूरे जनपद में आज एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। माननीय आयोग महोदय, स्पेशली आप सबको प्रोत्साहित करने के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए आज यहाँ आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 25 मई से 3 जून तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ हो रहा है, उसी के क्रम में आज जनपद में खिलाड़ी बच्चों की रैली निकाली जा रही है। अलग एक मशाल जुलूस निकल रहा है ताकि बहुत जोर शोर के साथ 25 मई से 3 जून का कार्यक्रम बहुत सफल हो सके। आज इस कार्यक्रम में जनपद का नेतृत्व कर रहे जिलाधिकारी, हमारे आदरणीय उमा शंकर पांडे जी, जिले के सारे अधिकारीगण, सभी सम्मानित शिक्षकगण और खेल से जुड़े हुए तमाम प्रतिभाएं जो इस जनपद और मंडल से संबंधित हैं, आज यहाँ हमारे बीच में उपस्थित होकर के इस रैली का शुभारंभ करा रहे हैं। पूरी उम्मीद है इस जनपद से भी बच्चे सेलेक्ट होकर के आगे जाएंगे, ये रैली सफल होगी। इस बात का ये प्रतीक है कि हम पीछे भी अच्छा किए हैं और आगे भी अच्छा करेंगे।